मुजफ्फरपुर पुलिस आए दिन किसी न किसी कारण से चर्चा में बनी रहती है। वहीं इस बार पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर सवालों के घेरे में है। दरअसल पूरा मामला जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां बीते वर्ष 2 मार्च को 7 नाबालिग बच्चों की मां का दिन दहाड़े उसके पड़ोसियों द्वारा अपहरण करने का है। पीड़ित पति द्वारा लगातार शिकायत लेकर थाने में आवेदन के चक्कर लगाए गए, फिर भी पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की, जिसे तंग आकर उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट के माध्यम से एसएसपी को तलब किया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा घटना के तकरीबन 6 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई। पूरे मामले को लेकर पीड़ित पति ब्रह्मदेव पासवान ने बताया कि उनकी पत्नी बीते 2 मार्च को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट चौक समीप अपनी 5 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ लड्डू खरीदने गई थी। वहीं काफी देर बाद बीत जाने के बाद भी सिर्फ बच्ची पड़ोस की आरोपित महिला के साथ घर लौटी। वहीं जब उनके पिता ने उक्त महिला से पूछताछ की तो उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद काफी खोजबीन भी की गई लेकिन उनकी पत्नी का पता नहीं चल पाया। वहीं उनकी बेटी ने टूटी फूटी जवान में बताया कि कोई आदमी मम्मी को 2-4 थप्पड़ मारकर गाड़ी में ले गया है। जब वो लिखित शिकायत लेकर अहियापुर थाने पहुंचे तो आवेदन लेकर बिना किसी रिसीविंग दिए उन्हें वापस भेज दिया गया। इसी बीच उनकी पत्नी द्वारा फोन पर अभियुक्तों के नाम और अपना लोकेशन भी बताया गया। इसके बाद वह लगातार थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने शिथिलता बरती और कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद थक हार कर उन्होंने कोर्ट में परिवाद किया। वही कोर्ट के दबाव में एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस द्वारा फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा सूचना देने के बाद भी आरोपितों को नहीं पकड़ा गया। वही थक हार कर उन्होंने मंगलवार को आईसी के पास न्याय की गुहार लगाई। 2 मार्च से गायब है मेरा पत्नी, किडनैपिंग कर लिया मैं सर पासवान। अभी तक कोई थाना प्रभारी कोई नहीं सुन रहा है हमारा, जाते हैं तो हमको जैसे बार बार जैसे लौटा देते हैं। कितने दिन से गायब? मार्च में 2 तारीख से। एफआईआर वगैरह कुछ किए थे? एफआईआर तो सर हुआ है। क्या कुछ किस पे शक वक्त था जी? शक किस पे था? शक महेश्वर पासवान सीता देवी। कौन है सर? वो अपने बगल पड़ोसी है बगल का। कैसे शक हुआ, क्या कुछ बोला, घटनाक्रम कैसे गायब हुई, क्या कुछ क्या कैसे गायब हुई बताइएगा। कुछ दिन के बाद फोन आया सर। क्या मतलब फोन पे कौन फोन किया, क्या बोला? मेरे पत्नी फोन किया कि जो है सो मैं सर पास में को छोड़िएगा नहीं, सब वही किया है तिलक वाला। अच्छा, उसके बाद उसके बाद फोन नहीं आया दोबारा। तब पता होता कि थाना में बताया फोन उनका, थाना वाला भी कुछ नहीं कुछ कर रहा है। थाना वाला गया एक बार दोबारा, एक बार कुछ नहीं सुना। आज आया है मिलने आईजी साहब से, क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, मतलब गए मिलने के लिए साहब से, तब साहब कह रहे कि ठीक है जाओ करेंगे कार्रवाई, वहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। फोन भी करते हैं कि फलाना जगह है आदमी है। आज आप आए हैं कोर्ट में भी केस वेस किए हुए हैं जी? कोर्ट में भी केस किए? हाँ, कोर्ट में भी केस किए। कितने दिन पहले का घटना है ये? मार्च का 2 तारीख का है सर। अच्छा जी, धमकी मिला है? मेरा बेटी को कह रहा है कि जैसे तुमको मम्मी को उठा लिया तो तुमको भी उठा लेंगे। अच्छा। मेरा बेटी को धमकी दिया है। क्या बाल बच्चे है? 7 बच्चा है। पड़ोसी क्या कुछ करता है मतलब? जी पड़ोसी क्या करता है आपका? पड़ोसी जो है यही सब मतलब कि खरीदी बिक्री के लड़के का यही धंधा ही करता है सर उसका।